होते हैं। यस, जैसे जैसे आजकल लोगों का धोखा कीड़ी चल रहा है रोड पे फोर लेन, तो उस हिसाब से मुझे मतलब दो दो बियर पी के अंडर 17 18 300 वर्ड का ऐसे लिख के मतलब मैं जा सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट बेसिकली ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस मी आविष्कार एंड टुडे वी हैव द स्क्वाड कुशाक विद अस एंड दिस बिलोंग्स टू मिस्टर प्रशांत। हेलो वेल प्रशांत, एंड आज के इस वीडियो में हम पूरा ओनरशिप रिव्यू का बात करने वाले हैं। तो इनने अराउंड 6 महीना हुआ है इस गाड़ी को लिए हुए, लास्ट ईयर नवंबर में लिया था। पूरा इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे, इनने ये क्यों लिया, कोई दूसरा गाड़ी क्यों नहीं लिया, एंड क्या रीजंस थे बेसिकली इसको परचेज करने के पहले, एंड इनके ओपिनियंस क्या थे, व्हाई ही एंडेड अप बाइंग दिस खुशाक। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एंड बिफोर द डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रशांत जी, आप क्या करते हैं, आपके बारे में थोड़ा सा मेरे को बेसिक बैकग्राउंड बताइए कि आपका जॉब क्या है, आपका यूजबिलिटी कैसा रहता है, आपको कार का क्यों जरूरत था। सो आई वुड लाइक टू नो दैट। सो बेसिकली आई एम अ टीचर, मैथमेटिक्स टीचर। तो वैसे तो मैं कार का यूज़ मुझे हाईवे पे ज़्यादा है, लेकिन मैं चलाई हाईवे पे बहुत कम है, लेकिन मेरा ये था कि मुझे ट्रिप पे जाना है या लॉन्ग टूर पे जाना है तो मुझे उसके लिए कार चाहिए। तो मैं सिटी पर बेसिकली मेरे पास R15 में R15 से ट्रैवल करता हूँ। तो इससे पहले आपके पास एक टू व्हीलर था, ये वो प्लानिंग टू बाय अ न्यू फोर व्हीलर, सो आपकी पहली फोर व्हीलर है। यस करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो क्या रीज़न था व्हाई यू वांटेड एंड यू एंडेड अप बाइंग दिस खुशाक? आपने सेगमेंट में और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जैसे टाटा की गाड़ी आती है, फोक्सवैगन आती है, वो आपने टेस्ट ड्राइव की नहीं की, एंड आपने यही क्यों ली, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बेसिकली मुझे ये था कि मेरा पहला प्रायोरिटी था कि सेफ्टी रेटिंग होनी चाहिए 5 स्टार। ओके, तो उसके लिए हमने शॉर्ट लिस्ट किया गया था। शॉर्ट लिस्ट में हमें नेटा नेक्सन आई थी, स्क्वाडा कुसा, मारुति पहले निकल गया। हाँ मारुति पहले नहीं निकल गया, मारुति पहले निकल गया। तो मैं पुरानी वाली नेक्सन थी उसमें बैठा था, तो मैंने टेस्ट ड्राइव पुरानी वाली नेक्सन की ली थी, तो उसमें फील नहीं आया। फिर मैं नया जो फेसलिफ्ट मॉडल आने वाला था मैं उसमें भी बैठा, लेकिन जब मैं उसमें बैठा मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी, लेकिन जैसे बैठा तो उसमें पैनल गैप बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे पूछा कि पैनल गैप इतने हैं, तो उन्होंने बोला ये डेमो पीस है या रखने के लिए। तो जब मैंने पूछा कि ये अगर आप 100 पीस अगर आप ऐसे रख रहे हो तो डिलीवरी के वक्त कितना दोगे, कैसे दोगे, तो आप थोड़ा क्वेश्चनेबल था। हाँ, और मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े थे ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, तो बहुत लोगों ने बोला था पैनल गैप फिनिशिंग उनका बेस्ट नहीं आता। और हाँ, आपने कुछ पैनल गैप्स ऑब्जर्व किए जो आपको मतलब थोड़ा लग रहा था कि इतना पैसा दे रहा हूँ तो ये मतलब क्वालिटी इशू बिल्कुल भी आपको नहीं पसंद? हाँ, और सर्विस के लिए वो रिलेटेड भी मैंने रिसर्च किया था, सर्विस में भी उनका अच्छा रिव्यूज़ नहीं था पुणे में। तो फिर मैंने उसके बगल में ही मेरा एक्चुअली स्क्वाडा का शोरूम था, तो मैं स्क्वाडा के शोरूम में गया देखने के लिए कुछ साथ। जैसे मैंने बैठा, मैं टेस्ट ड्राइव भी नहीं लिया था उसका, जैसे बैठा मतलब फील आ गया उसको, तो मैं तभी तुरंत बुक कर दिया। तो आप जो बैठे आपके हिसाब से खुशाक में बैठने गया, आपको वो जो आप 15-20 लाख का जो स्पेंड कर रहे थे वो आपको बैठते ही आपको पैसा वसूल है कि हाँ भाई ये प्रीमियमनेस है, करेक्ट, व्हाट यू वर बेसिकली लुकिंग फॉर, करेक्ट। आप एंड ऑफ द डे आपको ऑन रोड कितने प्राइस की पड़ी, मैं वो जानना चाहता हूं। ऑन रोड ये 16 लाख की पड़ी, तो उसके अंदर मेरे पास इंजन का कवर भी एडअप था और सर्विस का पैकेज भी ऐड था। सर 4+2 6 ईयर्स में, यस, 4 साल का सर्विस है जिसमें नो कॉस्ट देनी है, एंड फिर 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी भी है, 4+2, तो 6 साल का मेरे पास इंजन वारंटी भी है। ओके, तो ये ऑन रोड पुणे आपको 16 something lakh, हाँ, yes, which you felt is good. There is a 1 liter petrol engine, manual, not automatic. Correct. ठीक है, एंड दिस योर फर्स्ट कार, सो यू वर जस्ट मतलब आपको बेसिकली ये था कि एक ऐसी गाड़ी जो आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स दे, मतलब हाईवे पे भी जाए तो आपको क्रूजिंग अच्छा स्पीड दे, सेफ्टी रेटिंग भी हो, प्रीमियमनेस भी हो, करेक्ट, थोड़ी सी लग्जरियस भी दिखे, करेक्ट, एंड आपको एंड ऑफ द डे माइलेज भी देते। तो माइलेज की बात कर रहे हैं हम, तो आप मेरे को ये बताइए कि आपको अब तक अभी आपने जितने 1400 किलोमीटर कुछ चलाया है 6 महीने में, उसमें आपको हाईवे सिटी कितना मिक्स मैच किया आपने और क्या माइलेज मिल रहा है? तो बेसिकली मैं अभी कार चलाना सीखा है, तो मैंने ज़्यादा हाईवे पे नहीं चलाया, हाईवे में 300 किलोमीटर और चलाया है, जिसमें मुझे अराउंड 18-19-20 का एवरेज दिया है हाईवे पे मतलब, हाँ, 18-20 आप एक और बोल रहे हैं। पुणे जैसे ट्रैफिक में मुझे इसका 10-11 का एवरेज मिल रहा है सिटी में। पुणे जैसे ट्रैफिक में जहाँ सड़क भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है और खड्डे भी बहुत हैं। यस, जैसे जैसे आजकल लोगों का धोखा कीड़ी चल रहा है रोड पे फोर लेन, तो पॉश हैशटैग कर कर हैशटैग पॉश। मेरे को बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें बहुत अच्छी लगी जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे, या फिर आप जो व्यूअर्स हैं हमारे मतलब कन्वे करना चाहेंगे कि अगर वो भी एक मतलब 15-20 लाख के रेंज में गाड़ी देख रहे हैं तो खुशाक उनको क्यों चूज़ करनी चाहिए, हम एक मेरे को वो हमारे ऑडियंस। जैसे मैं फर्स्ट, मेरी पहली कार है तो मैंने पहली बार चलाना सीखा, तो मेरे लिए होता है कि ईजी टू ड्राइव होनी चाहिए, मुझे ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए। जैसे कि बार बार क्या होता है, मेरी से गाड़ी बंद हो जाती है, जैसे स्लोप पे जा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी, तो ये अपने आप ऑटो स्टार्ट हो जाती है, ऑटो स्टार्ट ऑटो ऑफ होती है गाड़ी, तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट फीचर लगता है। एंड रही बात ड्राइव की, ड्राइव बहुत अच्छा है इसमें, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और स्टेयरिंग फीडबैक इसका बहुत अच्छा है। सो स्टेयरिंग स्मूथ है, प्रिसाइज है, करेक्ट, प्रिसाइज है बोलना चाहिए। यस, अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रिल किया ऐसे मूव करिए आप, जैसे मूव करो मेहनत, करेक्ट। ठीक है, तो एक बार इसके अंदर चलते हैं।
लेट्स सी अंदर का फिट एंड फील कैसा है. सो जस्ट फॉर द रेफरेंस, ही 6'3", आई एम 5'10" एंड हम काफ़ी हाइट में, तो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ द लेग स्पेस इज. अंदर की तरफ आपको स्पेस कितना मिलेगा, हेड स्पेस कितना रहेगा, बिकॉज 6'3" इज मोर देन एन एवरेज इंडियन हाइट. सो लेट्स गेट इन टू. सो गेट का थंब तो काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा मैं यूजली मैं नई वाली नेक्सॉन में भी बैठा था, उसका भी जो फील है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है. बट आई वोंट से स्कॉडा इज मतलब बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है ये, इसका भी फील मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. एंड इन टर्म्स ऑफ हेड स्पेस आई हैव प्लेंटी, आई थिंक यू ऑल्सो हैव प्लेंटी, कि अगर आप कैप वैप भी कुछ पहने तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड स्पेस वाइज काफ़ी अच्छा स्पेस है, इवन दो पीछे हम जब सेकंड रो में जाएंगे तो हमको पता लगेगा. एंड स्टेयरिंग वगैरह भी मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है. अब आप बताइए थोड़ा गाड़ी के बारे में, आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कार इंटीरियर्स में आपके ओपिनियन से. जैसे ड्राइवर है, ड्राइवर को क्या चाहिए कि उसको जो भी स्टेयरिंग पकड़ रहा है, जो उसके सामने वाला ऑडोमीटर है, वो प्रीमियम दिखना चाहिए. तो मेरी जो चॉइस है, सबका चॉइस अलग अलग हो सकता है, जो मेरा चॉइस है जो ये डिसेंट था, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि LGBT लाइट चल रही है, ऐसा नहीं है इसमें. इसमें नॉर्मल वाइट लाइट है, तो इसमें बहुत प्यारा लग रहा है. अच्छा, अभी मेरे को आपसे एक चीज़ जानना है, जैसे नए वाले टाटा नेक्सॉन में, नई वाली सारी टाटा गाड़ियों में उन्होंने डिजिटल लोगो दिया हुआ है, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? नहीं, वो ये मेरे लिए ऐसा है कि वो डिस्ट्रैक्ट करता है ड्राइवर को, कि उसको बार बार अगर डिजिटल है तो कुछ ना कुछ अगर नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बट लिंक यहाँ पे नहीं आता ना, वो तो आपके कंसोल पे है. हाँ, तो यहाँ पे वो डिजिटल है, जहाँ पर टाटा का लोगो आता है, तो वो मुझे थोड़ा लाइट देता है, रात में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है ड्राइवर, तो मुझे वो नहीं पसंद वो चीज़. तो आपको एक 3D एनवर्ल्ड जैसा जो हमारे हमेशा से गाड़ियों में आ रहा है, वैसा ही ज़्यादा प्रीमियम लगा था. एंड नो डाउट दैट द स्टेयरिंग व्हील इज क्वाइट प्रीमियम, मतलब ये बटन्स वगैरह भी दिया, काफ़ी पियानो फिट फिनिश, मतलब पूरा ग्लॉसी है, शाइनी है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम देखने के लिए मिलता है. एंड ये जो मतलब इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में कुछ बताइए, स्पीकर्स किसके हैं, क्या क्वालिटी देते हैं आपको, ओवरऑल आपका कैसा फीडबैक लगा इसके ऊपर? नहीं, एंड्रॉइड तो आता है, वायर्ड है, वायरलेस वायर्ड है सारा, ये वायर्ड है, तो हम थोड़ा ओल्ड फैशन के हैं, तो मुझे वायर्ड चाहिए था. तो आपको इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं, मारे जी एक्टर जैसा नहीं चाहिए. नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए जो टच चलता रहे, कि वो भी सेफ्टी रेटिंग के लिए डाउन करता है वो भी चीज़. तो ये टच एनेबल्ड है, टच एनेबल्ड है, बट आपको ये एंड्रॉइड ऑटो जो केबल वाला है वो काफ़ी अच्छा है. तो यहाँ पे आपके पास टाइप सी पोर्ट दो है, जिससे एंड्रॉइड ऑटो दोनों से ही कनेक्ट होता है. पीछे भी आपके पास, सेकंड रूम में हम जाएंगे तब बात करेंगे. एंड क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा इसमें आपको? नहीं, क्लाइमेट कंट्रोल नहीं, तो मैनुअली आपको करना पड़ता है. बट ठीक है, दीज आर समथिंग्स विच यू नो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अब मेरे को भी इतना ज़्यादा, मैं क्लाइमेट कंट्रोल वाला आदमी नहीं हूँ, बट यस ओवरऑल सेफ्टी रेटिंग के लिए आपको प्रायोरिटी था. मैं ग्लव बॉक्स का स्पेस देखूंगा, तो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है ग्लव बॉक्स का स्पेस, नो डाउट इन दैट. एंड आपको यहाँ पे उसके अंदर एसी भी मिल जाएगा आपको, वो भी कूल बॉक्स भी इसके अंदर. हाँ यस, ये एसी है, जब गाड़ी ऑन कर सकते हैं आप, एसी का कंट्रोल यहाँ से है आपके पास, जहाँ से आप एसी का ऊपर, मतलब दो दो बियर पी के अंडर 17 300 वर्ड का ऐसे लिख के मतलब मैं जा सकता हूँ. करेक्ट करेक्ट, बेसिकली ठीक है. और ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू द सेकंड रो, एक बार देखते हैं यहाँ पे आपको. और ये मैनुअल ORM है, तो आपको अगर रात में करना है तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा. अच्छा, ये ऑटोमेटिक नहीं है? ऑटोमेटिक नहीं है. तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप सनग्लास रख सकते हो. स्पेस देख लियो, जैसे मैं 6'3" हो, जैसे आपने मुझे बताया है, तो देखो मेरे लिए लेग स्पेस इतना है अवेलेबल पूरा. आपने काफ़ी आगे कर रखी है मेरे हिसाब से. यस, मैंने अपने हिसाब से सेट किया रखी है 6'3" के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टिल मेरे पास लेग स्पेस है. तो सेकंड रो का भी स्पेस मैं देख रहा हूँ, जैसे आपने अपनी हाइट के हिसाब से आगे का स्पेस पूरा बनाया हुआ है. पीछे आई हैव सफिशिएंट स्पेस, इवन दो आपके आप आपके पीछे बैठे हुए हैं, बट आपके लिए भी लेग स्पेस काफ़ी. अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो सफिशिएंट इनफ. विंडो साइज भी काफ़ी अच्छा है ऐसा, बिल्कुल थोड़ा भी ऐसे हेड स्पेस भी देख सकते हो. हाइट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपको दो लाइट देखने के लिए मिल जाता है, दो एसी वेंट्स हैं यहाँ पे, एंड दो टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है. तो मैंने एक चीज़ जो इस गाड़ी में नोटिस की हुई है कि USB पॉइंट मेरे को दिखाई नहीं, सारे के सारे टाइप सी पॉइंट दिए हुए हैं, विच इज़ गुड, बिकॉज आज की डेट में आप कोई भी फ़ोन लेते हैं, सैमसंग एप्पल सब आपको टाइप सी टू लाइट नहीं है, टाइप सी टू टाइप सी देते हैं. बाकी कंफर्ट वाइज इट्स गुड, यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको, हैंड रेस्ट भी देखने के लिए मिल जाता है. स्पेस काफ़ी अच्छा है, मतलब तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, अगर आप यहाँ से हटाएं तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं. नीचे वाला जो बोर्ड है उसमें एक हम्प है, बट वो हम्प का हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ बिट लोअर देन एवरेज, इतना हम्प रहता है जैसे आपको जो यूजुअल गाड़ियों में दिखता है. सो ये काफ़ी सॉर्टेड है, मतलब बीच में भी अगर आदमी बैठे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आराम से बैठ सकता है, मेरे हाइट का भी लेग स्पेस आपको सफिशिएंट मिल जाता है. तो कंफर्ट वाइज दिस इज अ वेरी गुड कार. आइसोफिक्स माउंट भी देखने के लिए मिलता है, अगर आपको बच्चों वाला चेयर पे फिक्स करना है तो दैट इज़ ऑल्सो गिवन. एंड एक बार डिग्गी देख लेते हैं टू हैव दैट आइडिया ऑफ कितना सामान आप ले जा सकते हैं. एंड ऑफ द डे फैमिली कार का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो पीछे आपको रिवर्स कैमरा देखने के लिए मिलता है, और
पीछे मेरे हिसाब से 2 KD मेंटेन करने के बाद भी एक और इंसान की लाश डाल सकते हैं हम। नहीं, हम अगर उसी सीट को अगर मैं आगे चाहूँ तो आगे करके इसको पोर्ट स्पेस और बना सकता हूँ। तो मतलब आप 2x2 KD मेंटेन कर, करेक्ट करेक्ट, 60-40 का ये स्प्लिट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ग्लास डाल सकता हूँ और अंदर एक ग्लास डाल सकता हूँ। ठीक है, ये मतलब सूटकेस के बारे में भी बोलूँ तो पूरा दो सूटकेस तो पूरे आ जाएंगे बड़े साइज वाले। ठीक है, सो रिवर्स कैमरा देखने मिल जाए, पीछे आपको वाइपर देखने के लिए मिलता है एंड इवन टेल लाइट के तरफ से भी LEDs हैं, काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलती है। अभी ओवरऑल साइज की बात करूँगा तो गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट SUV में अच्छे से डेवलप कर देती है अपने प्राइस टैग के हिसाब से। थोड़े फीचर्स हैं जो और इम्प्रूव हो सकते थे, बट सबका पर्सनल ओपिनियन होता है, एवरीवन हैज़ देयर ओन नीड्स एंड क्या वो प्रायोरिटाइज करते हैं। तो एंड ऑफ द डे आप कैसे इस वीडियो कंक्लूड करना चाहेंगे, क्या चीज़ें आपको सजेस्ट करते हैं व्यूअर्स के लिए कि उस वजह से इस गाड़ी पे फोकस करना चाहिए, और कुछ चीज़ें जो आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को कि अगर जो कोई स्कोडा लेने वाला हो तो वो उस चीज़ से थोड़ा सा संभल के रहे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वाला वीडियो बताया था कि मेरा प्रायोरिटी था सेफ्टी, तो अगर मैं फैमिली कार लिया है तो सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी रहेगी, तो उसके लिए मैंने स्कोडा को चूज़ किया। सब जानते हैं कि जर्मन क्वालिटी बेटर रहता है, ठीक है, एज रिलायबल है, इंजन रिलायबल है, तो मैंने मेरा ये प्रायोरिटी था कि सेफ्टी चाहिए, तो सेफ्टी इसके लिए मैं फीचर थोड़े ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ, उसको छोड़ सकता हूँ। जैसे 360 कैमरा आजकल लोग चाहते हैं, लेकिन वो 360 कैमरा आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको आपको बिल्ड क्वालिटी आपको आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। एयरबैग इस गाड़ी में आगे 2 एयरबैग्स मिलते हैं स्टैंडर्ड, यस, और अगर आप इसके एक लेवल ऊपर जाओगे तो आपको एयरबैग्स पीछे भी 4 एयरबैग्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप इसका एक ऊपर वर्जन लोगे तो। तो जैसे कि ये मेरा एम्बिशन मॉडल है, ठीक है, 1.0 में ये सेकंड टॉप है, इसके ऊपर एक स्टाइल वर्जन भी आता है, और 1 लीटर में सेकंड टॉप है, ये ऊपर एक आता है एंड 1.5 लीटर में देन द अगेन वो अलग इंजन वेरिएंट हो जाता है। मैं 1.0 की बात कर रहा हूँ, हर लोग आएंगे सर यहाँ पे मोंटे कार्लो भी आता है, पर मोंटे कार्लो में आपको सिर्फ आपको एक लेदर सीट मिल जाती है, बस एक्स्ट्रा आपको एक्सेसरी ये सब मिल जाता है। लेकिन अगर मैं टॉप मॉडल की बात करूँ तो मैं स्टाइल को टॉप मॉडल में आता हूँ, उसके नीचे आता है एक एम्बिशन, तो एम्बिशन वैल्यू फॉर मनी है, मतलब ये आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा, आपको अच्छा इंटीरियर भी देगा, बिल्ड क्वालिटी आपको चलने में भी बहुत अच्छा है। तो जिनका बजट भी अगर उनका 15 या 16 लाख है तो मेरे हिसाब से उनको एम्बिशन मॉडल लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ जो आप हाईलाइट करना चाहें जो स्कोडा को इम्प्रूव करना चाहिए या ऐसा कुछ? नहीं, स्कोडा की देख से मैंने बताया आपको, जैसे पीछे कैमरा के पीछे जब हमारी बात हो रही थी मैंने बताया था मेरी गाड़ी का 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, हाँ, तो उसकी जो मुझे सर्विस मिली, मुझे क्विक एंड रेस्पॉन्स सर्विस मिली और बहुत अच्छा काम किया गया। एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी गाड़ी मेरी पार्किंग में खड़ी थी, तो मेरे जो नेबर है उन्होंने गलती से गाड़ी ठोक लिया था, तो मेरे दोनों गेट पे उस ड्राइवर सीट पे उधर स्क्रैच आया था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो बहुत मैंने उनको दिया, तो उन्होंने 10,000 रुपीज़ लिया, पेंट डेंटिंग सब कम्प्लीट कर दिया, लेकिन मेरे एक आगे भी स्क्रैच था, बहुत मेजर स्क्रैच था, तो मैंने बस उनसे रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ आप अगर आप इसको भी इसी में इंक्लूड कर सकते हो, कवर कर सकते हैं। यस, करेक्ट, करेक्ट, वो कर दिया, सो दैट इज समथिंग व्हिच वाज लिटिल यूनिक फॉर यू कि चलो ठीक है अगर इतना काम हो ही रहा है तो ये भी साथ में। यस, तो वो एक आप चीज़ अप्रिशिएट, और उन्होंने मेरी गाड़ी पिकअप भी की और ड्रॉप भी की विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, सो फ्री फ्री सर, सो आपके तरफ से सर्विस वॉज समथिंग विच वॉज एज एक्सपेक्टेड एज यू, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच। डू लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज इन टर्म्स ऑफ दिस स्कोडा कुशाक, let us know, we will try to answer all your queries, and video ke antak banne ke liye thank you very much, I'll see you in the next video guys, bye bye.